मैं रामलखन महतो आज क्लास सिक्स उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिबाडी के बच्चों को एक क्लास ले रहा हूँ अंग्रेजी का। ठीक है, चैप्टर का नाम है द एम्परर एंड द नाइटिंगल। द एम्परर एंड द नाइटिंगल मतलब हुआ कि राजा और बुलबुल, राजा और बुलबुल। तो लॉन्ग अगो इन द लैंड ऑफ चाइना, लॉन्ग अगो मतलब बहुत पहले, कहाँ? चाइना में। चाइना मतलब चीन, कहाँ? चीन में। तो चीन में एक राजा था, देयर लिव्ड एन एम्परर, वहाँ क्या था? एक एम्परर, यहाँ लिखा हुआ एम्परर। ठीक है, वहाँ एक राजा था, ठीक है, सम्राट था। ही हैड ए मेजेस्टिक पैलेस, उसका एक भव्य पैलेस था। पैलेस था, पैलेस मतलब भवन, राजभवन जिसको बोलते हैं। तो एक उसका एक मेजेस्टिक मतलब भव्य पैलेस मतलब राजभवन। ठीक है, तो बिहाइंड द पैलेस, पैलेस के पीछे जो राजभवन था उसके पीछे, देयर वाज ए ह्यूज फॉरेस्ट, एक बहुत बड़ा जंगल था। क्या था? बहुत बड़ा जंगल था। ठीक है, और एंड ए नाइटिंगल लिव्ड इन इट, और वहीं पर एक बुलबुल रहा करती थी। कौन रहा करती थी? बुलबुल। द नाइटिंगल सैंग सो मेलोडियसली दैट इट वाज नॉन फार एंड वाइड। नाइटिंगल वहां बहुत धुन युक्त, बहुत अच्छा ढंग से गाती थी, बहुत स्वर युक्त गाती थी, जिसके कारण से लोग जो है उसको बहुत दूर दूर तक जानते थे। पीपुल इवन रोट बुक्स अबाउट इट, और लोग इसके बारे में किताब लिख दिए। क्या लिख दिए? किताब। व्हाट इज द नाइटिंगल, नाइटिंगल क्या है? राजा ने सोचा, सम्राट ने सोचा कि नाइटिंगल क्या है। Why I know nothing about it? मैं इसके बारे में क्यों नहीं जानता हूँ कुछ? One day, एक दिन, क्या चीज? Nightingale means बुलबुल, melodiously means धुनयुक्त, order means आदेश दिया। तो one day the emperor read one of the books and wished to see the bird singing। वह जो है एक किताब को पढ़ा, राजा क्या, सम्राट क्या किया, एक किताब को पढ़ा, ठीक है, और कामना किया कि मैं भी जो है उस चिड़िया को गाते हुए सुनूं, देखूं। द एम्परर ऑर्डर्ड हिज मैन, राजा ने, सम्राट ने अपने लोगों को, अपने आदमियों को आदेश दिया टू ब्रिंग द नाइटिंगल टू द पैलेस, राजभवन में उस बुलबुल को लाने का आदेश दिया। व्हाट इज इट, व्हाट इट दिस, यह क्या है? वन ओनली ए किचन मैट हैड सीन द नाइटिंगल, उसमें मात्र एक रसोई घर में जो रसोई बनाती थी, वह बनाने वाली लड़की जो खाना बनाती थी, वह लड़की जो है उस नाइटिंगल को देखी थी, उस बुलबुल को देखी थी। सो सी टूक देम टू द बर्ड, इसलिए वह जो है, सो इसलिए सी टू देम टू द बर्ड, उन लोगों को चिड़िया के पास ले गया, ले गई लड़की। द किचन मेड आस्क द नाइटिंगल टू कम टू द पैलेस विद देम, वह लड़की ने बुलबुल को कहा कि उन लोगों के साथ राजभवन चलो। व्हाई हैव यू कम हेयर लिटिल गर्ल, वह बुलबुल बोली कि तुम छोटी लड़की क्यों यहाँ आई हो? आवर एम्परर विश्ड यू टू सिंग बिफोर हिम, बोला कि हमारा सम्राट जो है उसके सामने तुमको गाना है। द नाइटिंगल एग्रीड, वह नाइटिंगल जो है बुलबुल सहमत हो गई टू गो टू द पैलेस विद हिम, उन लोगों के साथ राजभवन में जाने के लिए तैयार हो गई, सहमत हो गई। द नाइटिंगल सैंग सो मेलोडियसली, वह बुलबुल एकदम संगीतमय धुनयुक्त गाना शुरू कर दी, दैट
टीयर्स कैम इनटू द एम्परर्स आई, ऐसा ध्वनियुक्त गाई कि राजा के आंख में आंसू आ गया, दोनों आंख में राजा का आंसू आ गया। नाउ आई कैन हियर यू सिंग एवरी डे, अब मैं तुम्हें प्रत्येक दिन सुनना चाहूँगा। ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू पुट द नाइटिंगल इन ए फैंसी की, एकदम आधुनिक युक्त जो अच्छा से अच्छा एक पिंजरा बनाया और बोला कि नाइटिंगल को उसमें रख दो। सम डेज लेटर ए मैसेंजर ब्रॉट ए प्रेजेंट फ्रॉम द किंग ऑफ जापान। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या हुआ कि जो ओरिजिनल बुलबुल था उसकी जगह पर एक राजदूत आया जापान से और वह बोला कि यह आपको जो है जापान के सम्राट की ओर से एक उपहार है, ठीक है, ए गिफ्ट फॉर यू मैजेस्टी, लकी यह जो है महाराज महाशय यह आपके लिए उपहार है। इट वॉज ए ब्यूटिफुल ट्वाय नाइटिंगेल, यह एक छोटा सा सुंदर एक बुलबुल का खिलौना है। मेड ऑफ गोल्ड, यह सोना का बना हुआ है। एंड कवर्ड विद ज्वेल्स, इसमें आभूषण से ढका हुआ है। द एम्परर वुड वाउंड अप द ट्वाय बर्ड एंड इट सैंग द सेम सॉन्ग अगेन एंड अगेन, वह जो है जैसे ही उठाया सम्राट उस बुलबुल के खिलौना को वह बार बार गाना शुरू कर दिया। आहा सच ए वंडरफुल प्रेजेंट, आहा यार बहुत बढ़िया जो है एक क्या है वंडरफुल प्रेजेंट है। एवरी नाइट द एम्परर लिसन टू द ट्वाय बर्ड सॉन्ग, और प्रत्येक दिन राजा जो है उस ट्वाय बर्ड को सुनता था। द रियल नाइटिंगल फेल्ट अनहैप्पी, और जो वास्तविक नाइटिंगल था वह उदास हो गया। एंड फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट, और जंगल वापस चला गया। वन डे द ट्वाय बर्ड ब्रोक एंड नो वन इन द किंगडम कुड रिपेयर इट, एक दिन का हुआ कि वह खिलौना जो है कि टूट गया, खिलौना जो नाइटिंगल था टूट गया, कोई उसे उसका राज में बनाने नहीं सका, रिपेयर नहीं कर सका। आई विल नेवर हियर द बर्ड सिंग अगेन, और मैं इसको फिर से नहीं सुन पाऊंगा इस चिड़िया की आवाज़ को। द एम्परर बिकम सैड, राजा बहुत उदास हो गया, राजा क्या हो गया बहुत उदास हो गया। हिज ओनली विश वाज टू हियर द मेलोडियस म्यूजिक ऑफ द नाइटिंगल अगेन, और वह राजा जो है फिर से वह मेलोडियस धुन को सुनना चाहा कि फिर मैं सुनूं। ईयर्स पास्ट, साल गुजर गए। द एम्परर ग्रीव वेरी सिक, राजा बहुत बीमार पड़ गया। व्हेन द रियल नाइटिंगल हियर्ड द न्यूज, जब जो वास्तविक बुलबुल था उसको सुना, जब वह सुना कि राजा बीमार है, ही फ्लू टू हिज विंडो टू सिंग, और राजा के पास जो है खिड़की के सामने पुनः गाने के लिए आ गई। एवरी डे द बर्ड सैट ऑन द विंडो, प्रत्येक दिन खिड़की के सामने बुलबुल बैठती थी। एंड सैंग स्वीट सॉन्ग, और मधुर गीत को गाती थी। फॉर द एम्परर, राजा के लिए। He recovered very soon, और वह राजा बहुत जल्दी ठीक हो गया। The emperor pleaded the nightingale to come back to the palace and stay in the cage. राजा ने आग्रह किया कि तुम जो है पुनः वापस आ जाओ राजभवन में और अपना पिंजरा में रहो। Thank you, dear nightingale. धन्यवाद डियर नाइटिंगल, आई लाइक माई फ्रीडम बट आई विल कम, वह बुलबुल बोली कि मैं अपना आज़ादी पसंद करता हूँ लेकिन मैं आपके पास जरूर आऊँगा। आई विल कम। द नाइटिंगल रिफ्यूज टू स्टे इन द पैलेस,
बुलबुल राजभवन में रहना जो है इनकार कर गई, बट प्रोमिस लेकिन वादा की टू कम टू द विंडो एवरी नाइट, प्रत्येक दिन प्रत्येक रात में खिड़की के पास आएगी टू सिंग गाने के लिए, सो ही डिड और वह वैसा की। इस तरह से यह चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। आपके वर्ड मीनिंग जो लिख दिए हैं इसको याद करके और कॉपी में लिख करके रखना है, ठीक है। इम्परर मीन्स सम्राट, मैजेस्टिक मीन्स भव्य, पैलेस मीन्स राजभवन, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, नाइटिंगल मीन्स बुलबुल, मेलोडियसली मीन्स धुनयुग, ऑर्डर्ड मीन्स आदेश दिया, किचन मीन्स रसोई घर, विशेज मीन्स कामना, मैसेंजर मीन्स राजदूत, प्राउड मीन्स लाया, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, कवर्ड मीन्स ढका हुआ, लिसन मीन्स सुना, रिकवर्ड मीन्स ठीक हो गया। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म हुआ है ना, अगला दिन फिर मैं बताऊँगा।